मॉर्निंग जय केदारनाथ, क्या हाल है? तो अभी हम सोनप्रयाग में रुके हुए हैं और अभी हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बैग वगैरह पैक हो चुके हैं, यहाँ पे रुके हुए थे, चलते हैं यहाँ से निकलते हैं और फिर देखते हैं रास्ते का व्यू, यहाँ पे कैसा रास्ता वगैरह है। आज बारिश वगैरह तो है नहीं, बस पूरा मौसम फॉग वाला है। बैग वगैरह लेते हैं और बाहर चलते हैं। सभी तैयार होकर नीचे पहुँच गए हैं, चलते हैं हम भी और होटल का रेंट वगैरह दे देते हैं। 216 रुपये पर बेड पड़ा था, डोमेट्री ली थी यहाँ पे 216 रुपये, और खाने का भी यहाँ पे बहुत सस्ता था 150 खाने की प्राइस थी। अभी रेंट का दे रहे हैं, इस गाड़ी में अभी जाएंगे यहाँ से 500 मीटर, फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे गौरीकुंड। चलिए वहाँ पे जाके मिलते हैं, जय भोले की। फोन पर जाएगा और यहाँ से निकलेंगे गौरीकुंड के लिए। यहाँ जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसका यहाँ पे हो जाएगा। ये देख लो सामने लाइन वगैरह लगी हुई है, ज़्यादा भीड़ नहीं है बट थोड़ी बहुत तो भीड़ है। देख लेते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। अभी हम सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड तक आए हैं, 400 मीटर की चढ़ाई करके। इसको थकान महसूस हो रही है? परवीन, हितेश भाई, इनका तो पता नहीं, मुझे तो थोड़ी बहुत थकान महसूस हो रही है क्योंकि ऋषिकेश में भी लगभग 10 किलोमीटर पैदल चले हैं। वो देख लो ये रास्ता है और भैया हमारा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, हमारे साथ में आए थे दो भैया, वो हमारा आगे इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं, वो यार बहुत तेज चल रहे हैं, यूपी के भैया है। 16 किलोमीटर है यहाँ तक, तो हमें गाड़ी ने उतार दिया, वो जो वहाँ पे लिखा हुआ, बाकी हमारे साथ वाले वो आगे चल रहे हैं वहाँ पे। यहाँ से देखते हैं कैसा रास्ता है, पहले थोड़ा बहुत अल्पार कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। किसी को खच्चर वगैरह करना है यहाँ से मिल जाएगा। ये देख लो ऐसी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, पंद्रह से 20 मिनट हो गए लेकिन 1 किलोमीटर पार किया अभी 20 मिनट में। अगर यहाँ से खच्चर लेना है तो 2950 रुपये लगेंगे और बार्गेनिंग करेंगे तो कम ज़्यादा भी हो जाएंगे। हम लोग अकेले नहीं चढ़ सकते, उनको देख लो 30 से 40 किलो घास लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं, देख सकते हो इन्हें पहाड़ी लोगों को। ये 12 बजे से पहले का व्यू है मॉर्निंग का। सौ मीटर से आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सिर्फ फॉग ही दिख रहा है। तो नीचे देख लो पीछे। हितेश भाई कैसा लग रहा है? बहुत खराब। क्यों? चला ही नहीं जा रहा। अरे अभी तो बहुत टाइम है ना। अभी तो 10 किलोमीटर और चढ़ना है।
अभी तो आधा रास्ता कवर किया है। ये देख लो कितना तेज पानी आ रहा है रिवर में, और मौसम भी देख लो आप। आगे श्रद्धालु जा रहे हैं। यहाँ से केदारनाथ है 5 से 6 किलोमीटर, और अभी रास्ते में रुके हैं चाय और नाश्ता वगैरह करने के लिए। देख रहे हैं अभी चाय बन रही है, भैया जी चाय बना रहे हैं। गर्म हीटर भी लगा हुआ है। ये देखो हमारे साथ वाले भाई साहब वो पर भी, ये भैया और वो वहाँ पे चाय बन रही है। आ गई है चाय वगैरह, ये देख लो बिस्किट साथ में, हीटर भी लगा हुआ है। भैया जी वगैरह सामने बैठे हैं। हम चाय वगैरह पी रहे थे, वहाँ से लगभग 200 मीटर दूर एक भैया के कैफे हैं, होटल वगैरह हैं, वहाँ पे रुके हुए हैं। बारिश का भाव बहुत ज़्यादा है। जो चलने का रास्ता है उस रास्ते के बीच पानी का भाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर रुके हुए हैं। थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह किया है, मैगी वगैरह और पराठे वगैरह खा के। सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पैर वगैरह हाथ वगैरह सारे सुन्न हो गए हैं। तो यहाँ पे कुछ देर ठहरते हैं, बारिश वगैरह बंद होती है तो फिर निकलते हैं, वरना यहीं पे कैंप वगैरह लेके सो जाएंगे। हम 5 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये भैया जी ये भी यहाँ पे रुके हुए हैं, ये भाई हमारे साथ में इतिहास ये भी रुका हुआ है, ये महाराज जी ये भी यहाँ पे रुके हुए हैं। ये दो भाई, इनको तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और आगे का वीडियो तो सुबह बनाएंगे, अभी बन नहीं पाएगा क्योंकि रात के। केदारनाथ में जोरदार बारिश बिजली की गरजना के साथ, देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज आ रहा है ऊपर से। ये